दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो और आपके विषय में एक कंप्यूटर का विषय है या फिर आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको कंप्यूटर संबंधित किसी एग्जाम पेपर में एक प्रश्न पूछा गया होगा या फिर भविष्य में पूछा जा सकता है, वो है स्टैटिक वेबसाइट या डायनेमिक वेबसाइट क्या है और इनमें अंतर क्या है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक एंड डायनेमिक्स वेबसाइट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायनेमिक वेबसाइट। दोस्तों, आजकल डायनेमिक वेबसाइट काफी इंटरनेट पर आ रही है और डायनेमिक वेबसाइट का ही अभी इस समय प्रचलन है। दोस्तों, डायनेमिक वेबसाइट को हम रन टाइम पे चेंजेस कर सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट में ही कई तरह के इफेक्ट एनिमेशन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक डायनेमिक वेबसाइट की आपको बता देता हूँ। डायनेमिक वेबसाइट के बारे में लिखते है oxygen99.com। दोस्तों, यहाँ पर ये डायनेमिक वेबसाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक स्लाइड चल रही है। ठीक है, इस वेबसाइट को जहाँ जिस ओनर ने बनाया, इसे रन टाइम पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि उसका लोगो चेंज करना है, कोई मेन्यू अपडेट करना है, कोई अलग से कोई फंक्शनैलिटी करनी है। तो यहाँ पर कोई भी हम किसी भी तरह से जो चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसी तरह से किसी भी चलते समय इंटरनेट पर उसे हम चेंजेस कर सकते हैं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट के अंतर्गत आती है। ठीक है, डायनेमिक्स वेबसाइट सबसे पावरफुल वेबसाइट होती है, अट्रैक्टिव होती है, इसमें कई तरह के एनिमेशन इफेक्ट होते हैं किसी तरह की। तो जो इस तरह के इफेक्ट और एनिमेशन दिखाई किसी वेबसाइट में दिखाई जा रही है, तो समझो वो डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, अब डायनेमिक वेबसाइट बनाने वाले टूल कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे मैं डायनेमिक वेबसाइट में आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। तो इन टूलों से डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, ये डायनेमिक वेबसाइट के टूल है, एक वर्डप्रेस। ठीक है, दूसरा दूसरा है बिक्स.com, आपने ना इसका एड भी देखा होगा, एक बिक्स.com भी। इस टूल से भी डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायनेमिक वेबसाइट जो इफेक्ट होते हैं, हर वेबसाइट में एनिमेशन होती है, वो डायनेमिक वेबसाइट के अंतर्गत आती है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट में जो वेबसाइट की लैंग्वेज होती है, वो PHP, HTML, CMSS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS टूल, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह की जो लैंग्वेज है, बड़ी जो हाई लेवल की लैंग्वेज है, वहां पर डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो डायनेमिक वेबसाइट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर इस तरह की होती है, हम स्टैटिक वेबसाइट में रन टाइम पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में हम चलते समय इंटरनेट पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं कर सकते। ये पहले काफी यूज होती थी वेबसाइट, ये बनती थी इंटरनेट पर, लेकिन अब ये कोई नहीं बनाता, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए केवल तीन लैंग्वेजों का यूज किया जाता है, वो भी सिंपल लैंग्वेज HTML, JavaScript एंड CSS। ठीक दोस्तों, तो स्टैटिक वेबसाइट भी एक इस तरह की होती है, आप देख रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले पे। अब इनमें अंतर क्या है, तो अंतर सिंपल सा है दोस्तों, कि स्टैटिक वेबसाइट को हम इंटरनेट पर चलते समय कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, और स्टैटिक वेबसाइट अट्रैक्टिव नहीं होती है, उनमें किसी तरह का एनिमेशन इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन डायनेमिक्स वेबसाइट अट्रैक्टिव होती है, कोई भी अट्रैक्टिव होती है, उसमें एनिमेशन इफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जिस तरह की स्लाइड चलना, इस तरह के इफेक्ट होना, तो ये डायनेमिक वेबसाइट में होती है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट अभी बहुत कम बनाई जाती है, बहुत ही, लेकिन आजकल डायनेमिक वेबसाइट का ही चलन है। बहुत सी जितनी भी इंटरनेट पर आज वेबसाइट बन रही है, वो ज्यादातर 90% डायनेमिक बनाई जा रही है। तो ये था हमारा वीडियो डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट के बारे में। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट के बारे में। तो आप इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय।